नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूं और इस बुक का ऑथर हूं जिसका नाम है इंग्लिश वर्ल्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स। पिछले वीडियो में हमने वन के लिए कौन कौन से हमारे प्रिफिक्सेस हैं उसके बारे में बातचीत की थी। आज हम देखते हैं दो से लेकर दस तक कौन कौन से प्रिफिक्स हैं। अगर वो किसी भी वर्ड के सामने आएंगे तो उसका मतलब टू होगा। तो चलिए, एक है बाई, दूसरा बिन, तीसरा डाई, चौथा डाइको, पांचवा ड्यू और डियो। जब भी किसी वर्ड के आगे लगेंगे तो उसका मतलब टू यानी कि दो। जैसे बाई कैमरल, बाई का मतलब दो, कैमरल का मतलब चैम्बर्स। तो हैविंग टू चैम्बर्स, दो चैम्बर होना। बाई सेंटनरी, बाई का मतलब दो, सेंटनरी का मतलब सौ साल। तो अकरिंग एवरी 200 ईयर्स, 200 साल बाद कोई भी घटना अगर घटती है तो हम उसको कहते हैं बाईसेंटनरी। इसके बाद है बाईफोकल, बाई का मतलब दो, फोकल का मतलब फोकस। हैविंग टू फोकल लेंथ, जिसके दो फोकस होते हैं उसको हम बाईफोकल कहते हैं। बाई मंथली, बाई का मतलब दो, मंथली, जो दो महीने में एक बार होता है। अक्रिंग एवरी टू मंथ्स, हम उसको कहेंगे बाई मंथली। बाइनरी, आप देखेंगे बाइनरी में बी आई एन है, बी आई एन, बिन का मतलब टू, ए आर आई का मतलब वाई का मतलब कनेक्टेड विद। सो हैविंग टू पार्ट्स, दो भाग होना किसी चीज के या चीजों के, उसको हम कहेंगे बाइनरी। हमारा अगला वर्ड है डाइसेफलस। डाई का मतलब दो, टू, सेफल का मतलब हेड, सिर, अस का मतलब हैविंग और करेक्टराइज्ड बाई। सो डाइसेफलस मीन्स हैविंग टू हेड्स, जिसके दो सिर होते हैं। डाइकोटमी, डाइको का मतलब दो, टू, टोमी का मतलब कट, अ डिवीजन बिटवीन टू थिंग्स, किसी चीज को दो भागों में बांटना या काटना। ड्यूअल, ड्यू का मतलब टू, एल का मतलब रिलेटिंग टू, ड्यूअल मीन ऑफ और रिलेटिंग टू, टू, दो चीजों से संबंधित किसी भी चीज को हम कहेंगे ड्यूअल। ड्यूओ, अ पेयर ऑफ टू, दो चीजों का एक गुट या ग्रुप। बाइसिकल, हमने बाइसिकल छोड़ दिया था ऊपर, बाई का मतलब दो, साइकिल, ए टू व्हील्ड व्हीकल, जिसको हम बाइसिकल कहते हैं। आइए देखते हैं कि तीन, थ्री के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रिफिक्स हैं। तो एक है ट्राई और दूसरा है टर, इन दोनों का मतलब थ्री। जैसे ट्राइसिकल, अ थ्री व्हील्ड साइकिल, आपने देखा होगा बच्चों की जो साइकिल होती है वो जनरली तीन पहिए वाली होती है, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। उसके बाद है ट्राइफोकल, ट्राइफोकल का मतलब जिसके तीन फोकस हैं। आई ग्लासेस हैविंग थ्री फोकल लेंस। ट्राइमेस्टर, ट्राई का मतलब तीन, थ्री, मेस्टर का मतलब मंथ्स, अ पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स। टर सेंटनरी, टर का मतलब थ्री, सेंटनरी का मतलब सौ साल। सो अकरिंग एवरी 300 ईयर्स, कोई भी चीज अगर 300 साल में होती है, 300 साल बाद होती है, तो उसको हम कहेंगे टर सेंटनरी। आइए देखते हैं चार,
4 के लिए कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या प्रीफिक्सेस हैं। तो पहला है टेट्र, टी ई टी आर, टेट्रा, क्वाड्र, क्वाड्रू और क्वार्ट। ये पांचों में से कोई भी प्रीफिक्स अगर किसी भी वर्ड के आगे लगेगा तो उसका मतलब चार, यानी कि उसमें चार छिपा हुआ है। जैसे टेट्रेड, अ ग्रुप ऑफ फोर्थ। इसके बाद है टेट्राहेड्रन। टेट्रा का मतलब चार, सो हैविंग फोर फेसेस और साइड, जिसकी चार साइड है या चार फेसेस हैं उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रन। क्वाड्रंट, 1/4 ऑफ ए सर्कल। सो ये सर्कल है, इसके इस हिस्से को या किसी भी हिस्से को जो 1/4 हिस्सा है उसको हम कहेंगे क्वाड्रंट। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4, वन ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ समथिंग, सो क्वार्टर। क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपलेट, एक साथ जब चार बच्चे पैदा होते हैं उसमें से किसी भी एक बच्चे को हम कहेंगे क्वाड्रुपलेट। वन ऑफ द 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट वन टाइम। आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्वारंटाइन। क्वार्ट का मतलब 4, आईएनई का मतलब कनेक्टेड विद या करेक्टराइज्ड बाय। सो अ स्टेट, पीरियड और प्लेस ऑफ आइसोलेशन वेयर पीपल और एनिमल आर केप्ट ड्यू टू इन्फेक्शन। आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है तो जब भी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, यानी कि अलग कर लो किसी चार दीवारी में, किसी कमरे में या किसी घर में। ठीक, तो आप अपने आप को अलग कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से दूसरों को भी इन्फेक्शन हो जाए। तो उस जगह को हम कहते हैं, उस स्थिति को, स्टेट का मतलब स्थिति, पीरियड का मतलब जैसे 14 दिन का क्वारंटाइन होता है वो पीरियड हो गया, और जगह, प्लेस, जगह, तो क्वारंटाइन। आइए देखते हैं 5 के लिए हमारे पास कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक है या प्रीफिक्स है। तो 5 के लिए हमारे पास पेंटा और क्विंट, इन दोनों का मतलब 5। जैसे पेंटेड, अ ग्रुप ऑफ 5। पेंटिकल, पेंटिकल क्या है, ए 5 पॉइंटेड स्टार, वो स्टार शेप फिगर जिसके की 5 है ना पॉइंट है। क्विंटेट, अ ग्रुप ऑफ 5, उसको हम कहेंगे क्विंटेट। और क्विंटुप्लेट, क्विंटुप्लेट, वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ द प्रेगनेंसी, जब 5 बच्चे, कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में कि किसी लेडी ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, तो उन 5 में से एक बच्चे के अगर हम बारे में बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे क्विंटुप्लेट। आइए देखते हैं कि 6 के लिए, 6 के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। सो हमारे पास हेक्स, हेक्सा, सेक्स, इसका मतलब 6। जैसे हमारे पास है हेक्साग्राम, अ 6 साइडेड फिगर, कोई भी फिगर या स्टार है, जो दिखने में जो स्टार शेप का, जो स्टार टाइप का कोई फिगर या शेप हो उसको 6 साइडेड फिगर, उसको कहेंगे हेक्साग्राम। इसके बाद है हेक्साहेड्रन, अ सॉलिड फिगर विद 6 साइड्स या फेसेस। सेक्स्टेट का मतलब अ ग्रुप ऑफ 6,
म्यूजिशियंस, छह म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम कहेंगे सेक्सटेट। सेक्सटुपल, सेक्सटुपल का मतलब हैविंग सिक्स पार्ट्स। इसमें भी देखेंगे आप सेक्स है, यहां पर भी सेक्स है, तो सेक्स का मतलब छह, सिक्स। सेक्सटुपल मीन हैविंग सिक्स पार्ट्स। आइए देखते हैं सेवन, सात के लिए हमारे पास कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सात के लिए हमारे पास हेप्टा, सेप्ट और सेप्टी, ये तीन हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं जिसका मतलब सेवन। सो हेप्टाहेड्रन, अ सॉलिड फिगर विद सेवन फेसेस और साइड्स। सॉलिड का मतलब ठोस, ठोस फिगर या शेप, जिसकी सात, जिसमें सात फेसेस हों या साइड्स हों, उसको हम कहेंगे हेप्टाहेड्रन। तो सेप्टेट, सेप्टेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेवन पर्सन, सात व्यक्तियों का समूह। सेप्टीलेटरल, आप देखेंगे इसमें सेप्टी है, सेप्टी का मतलब सेवन, लेटर का मतलब साइड, एल का मतलब रिलेटिंग टू, सो रिलेटिंग टू सेवन साइड्स और हैविंग सेवन साइड, जिसके सात साइड्स हों उसको हम कहते हैं सेप्टी लेटरल। आइए देखते हैं आठ के लिए, एट के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। तो हमारे पास ऑक्ट, ऑक्टा, ऑक्टो, इसका मतलब आठ, एट। जैसे ऑक्टेट, अ ग्रुप ऑफ एट पर्सन और सिंगर्स, आठ व्यक्तियों का समूह या सिंगर्स, गाने वालों का समूह को हम कहेंगे ऑक्टेट। ऑक्टेव, अ ग्रुप ऑफ एट थिंग्स, आठ चीजों के ग्रुप को, थिंग्स का मतलब चीज, आठ चीजों के ग्रुप को हम कहेंगे ऑक्टेव। ऑक्टोपस, अ सी क्रीचर हैविंग एट लेग्स। आपने देखा होगा ऑक्टोपस के बारे में, आपने बहुत सुना है, इसकी आठ टांगे होती हैं, तो इसीलिए इसको हम ऑक्टोपस कहते हैं। आइए देखते हैं कि नौ के लिए, नाइन के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। तो हमारे पास एनी और नॉन, दो प्रीफिक्सेस हैं जिसका मतलब नाइन। तो एनीएट, अ ग्रुप ऑफ नाइन पर्सन और थिंग्स, नौ व्यक्तियों के समूह को या चीजों के समूह को हम कहते हैं एनीएट। एनी हेड्रन, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, हेड्रन का मतलब साइड और फेसेस, अ सॉलिड फिगर विद नाइन फेसेस और साइड्स। सॉलिड का मतलब सख्त है, सख्त जो फिगर है या शेप, जिसके नौ, नाइन फेसेस हैं या साइड्स हैं। नॉनरी, नॉन का मतलब नाइन, ए आर वाई का मतलब कनेक्टेड विद। सो अ न्यूमेरिकल सिस्टम बेस्ड ऑन नाइन, न्यूमेरिकल का मतलब नंबर, नंबर वाला सिस्टम, नंबर से रिलेटेड सिस्टम जो नौ के ऊपर बेस्ड है, उसको हम कहते हैं नॉनरी। आइए देखते हैं कि दस, टेन के लिए हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। तो टेन के लिए हमारे पास है डेक, डेका, डेसी, डेसिम और डेका। सो सबसे पहले हमारा वर्ड है, ये प्रीफिक्सेस कहीं भी आएंगे तो इसका मतलब टेन, दस। डेकेड, डेकेड इज अ पीरियड ऑफ टेन इयर्स, दस साल के पीरियड को हम डेकेड कहते हैं। डेकाग्राम इक्वल टू टेन ग्राम, 10 ग्राम को हम कहते हैं डेकाग्राम। डेसीग्राम, डेसीग्राम क्या है? ग्राम का दसवां हिस्सा, 1/10 of a gram। डेसिमल,
डेसिमल मीन, डेसिम का मतलब 10, एल का मतलब रिलेटिंग टू, सो रिलेटिंग टू द पावर ऑफ 10, उसको हम कहते हैं डेसिमल। और डेकोलॉजी, डेको डेकालॉजी, इट इज डेकालॉजी ओनली, डेकालॉजी अ सेट ग्रुप ऑफ 10 नॉवल्स, 10 नॉवल के ग्रुप या सेट को हम कहते हैं डेकालॉजी। ये कुछ वर्ड्स मैंने डिस्कस किए हैं नंबर प्रीफिक्स के ऊपर जो बेस्ड है। बाकी के जो वर्ड्स हैं वो मेरी बुक, इस बुक इंग्लिश वर्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स में दिए गए हैं। आप ये बुक Amazon और Flipkart पर ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।